हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी के पिच रिपोर्ट के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो है बीबीएल का अब जो है कुछ ही मैचेस बचे हैं, तो चैलेंजर मैचेस जो है बीबीएल का यहाँ पे होने वाला है और जो वो होगा 2 फरवरी को। तो यहाँ पे जो है कैसा रहेगा, किस तरीके से जो है मैसेज हो सकता है, क्या क्या सीनरी रहने वाला है, उसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। और ये पिच जो है आपको पता होगा कि सिडनी सिक्सर का जो है होम ग्राउंड है, ब्रिस्बेन हीट के साथ जो है वो मैचेज यहाँ पे खेलेगा। तो क्या सीनरी हो सकता है, कैसा जो है वो देखने को पिच मिल सकता है, इसको जो हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं और देखेंगे कि कैसा जो अभी तक मैसेज हुआ है और किस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन इंट्री में आप बहुत इसी तरीके से प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप कॉल फ्री सब्सक्राइब, टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो चलो अभी एक बार जो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इस ग्राउंड के बारे में। तो ग्राउंड जो है काफ़ी पुराना ग्राउंड है, कैपेसिटी भी जो है काफ़ी अच्छा खासा कैपेसिटी है यहाँ की, 48,000 के आसपास कैपेसिटी है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे तो ये लोकेशन जो है आपको सिडनी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा और ये आपको सिडनी सिक्सर का जो है वो होम ग्राउंड है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ग्राउंड जो है वो आपको देखने मिलेगा कि एक बैटिंग ग्राउंड की तरह जो है बिहेव करते हुए नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैटिंग की तरह बिहेव करते हुए नज़र आता है तो बहुत ही ज़्यादा रन जो है वो बनते हुए यहाँ पर नज़र आता है। लास्ट कुछ मैचों को हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके बाद से हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर मैसेज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखोगे तो ये बैट्समैन जो है ना बाउंड्री एरिया जो है वो बहुत ही बड़ा इसका दिखाई नहीं देता है। मीडियम एरिया आप कह सकते हैं, मीडियम जो है वो एरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा ये शुरुआत में जो है वो बॉलर को जो है फेवर करने के लिए मदद करता है और शुरुआत में यहाँ पर बॉलर को फेवर करेगा भी, क्योंकि यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि देखो ये चैलेंजर मैचेज है तो यूज पिच जो है वो यूज होगा नहीं यहाँ पर। यहाँ पे जो है सारे फ्रेश पिच आएंगे और जब फ्रेश पिच आएगा तो वो जो आप देखोगे तो थोड़ा बहुत जो है वो शुरुआत में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा फास्ट बॉलर को। तो इस लिहाज से जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो भी फास्ट बॉलर अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो देखो सिक्सर की तरफ से हो या फिर हीट की तरफ से हो, जो भी पहले बॉलिंग करेगा तो चांसेस तो यही रहेगा ना कि ज़्यादा ज़्यादा जो है वो विकेट लेने की कोशिश करेगा। तो वैसे में आप देख सकते हो कि कौन सा जो है वो बॉलर आपको अच्छा दिखाई दे सकता है। तो अगर हम लोग जैसे सिक्सर की बात करते हैं, सिक्सर लास्ट मैच आपको पता होगा कि पर्थ जो है वो हार गया था और वो भी आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा रन जो है बना नहीं पाया था। लेकिन सिक्सर की अगर हम लोग बॉलिंग की बात करते हैं ना, तो पर्थ जो रन चेस कर लिया, लेकिन सिक्सर की बॉलिंग में सिर्फ एक बंदा जो था सीन एबॉट वो जो है 3 विकेट लिया था, बाकी किसी को जो है विकेट नहीं मिला था। इसी अलावा देखोगे तो इस साल हेडन केयर का फॉर्म जो है शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा था लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑस्टर्वी ऑक्फी का फॉर्म भी जो है भी अभी उतना अच्छा परफॉर्म जो है नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर हम यही बात करते हैं कि हीट की अगर हम लोग बात किया जाए कि हीट का जो है बॉलर आप देखोगे कि कैसा परफॉर्म किया, तो लास्ट के जो है एक दो मैचेज हीट का उठा लो जिसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को मिल रहा है। तो लास्ट के हीट में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि काफ़ी अच्छे रन जो है ये चेस कर रहे हैं। और बॉलिंग में देखोगे तो जेवियर ब्रेसलेट का, मिथेल नेसर का, तो नेसर का जो है वो काफ़ी अच्छा फॉर्म जो चल रहा है। तो ये सीनरी जो है आप यहाँ पे पिक करके चल सकते हो कि कैसे बॉलर जो होंगे जो कि शुरुआत करेंगे इनिंग का और एक अच्छा सा जो है आपको रन दे सकते हैं और विकेट दे सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो है ज़्यादातर अगर नॉर्मल कंडीशन में जो पिचेज है वो थोड़ा सा ड्राई रहती है, बाउंसी रहती है, लेकिन जैसे जैसे जो है थोड़ा सा गेम बढ़ते जाता है डिफ़िकल्ट हो जाता है बैटिंग करते हुए। लेकिन इस बात के लिए जो है आपको ध्यान देना है इस मैच के लिए कि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश पिच मिलेगा और फ्रेश पिच रहेगा ना तो शुरुआत में बैट्समैन को दिक्कत होगा बैटिंग करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे जो है क्या होता जाएगा कि टाइम बीतते जाएगा ना तो पिच जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होता जाएगा और जब स्टेबल होता जाएगा तो बैट्समैन के लिए जो है थोड़ा सा अच्छा बनते जाएगा ऐसे सीनरियो में। और थोड़ा सा और ज़्यादा जब स्टेबल हो जाएगा तब स्पिनर को जो है बेनिफिट मिलना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखो शुरुआत के दौर में आप जो है एक बॉलर को पिक कर सकते हो और उसके अलावा जो है अगर बैट्समैन पिक करना है तो आप फर्स्ट डाउन सेकेंड डाउन पिक कर सकते हो, क्योंकि वो वाला बैट्समैन जो है ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद से जो काफ़ी टेक्निकली अच्छा जो है स्पिनर परफॉर्म कर रहा है वो आप ले सकते हो। और देखो वैसे भी जब हाई स्कोरिंग मैचेज जो है यहाँ पे होता तो जरूर है, लेकिन इस मैच में हाई स्कोरिंग मैचेज होगा इसके चांसेस थोड़े से कम जरूर रहेंगे, क्योंकि ऐसे भी हमने बहुत सारे मैचों में देखा है कि चाहे वो एलिमिनेटर मैचेज हो, फाइनल मैचेज हो, बहुत ही बेयरली केस में ऐसा होता है कि रन जो है वो 180 के आसपास, 170 के आसपास बनता है, 150 160 रन भी जो है वो चेज करना और बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पे रिसेंट कुछ मैसेज हुए हैं, तो अभी हम लोग देखो डोमेस्टिक और उसका डाटा हम देखेंगे, लेकिन रिसेंट कुछ मैचों को जो है मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे डोनोट जो है नहीं किया है। तो जनवरी में जो है यहाँ पे 2 मैचेज खेला गया था, दिसंबर में जो है आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 3 मैचेज खेला जाएगा, यानी टोटल जो है 5 मैचेज अभी हुआ है। तो दिसंबर का सीनरियो जब देखा था, जब यहाँ पे शुरुआत में मैसेज हो रहा था ना, तो हमने देखा कि जैसे जैसे शुरुआत में मैसेज हो रहा था जब फ्रेश पिच था तो पहले मैच में 137 रन बना था, जो कि मैं कह रहा हूँ कि जो फ्रेश पिच होगा ना वो यही सीनरियो जो आपको डिनोट करता है यहाँ।
पे 137 रन बना था, और बिलीव नहीं करोगे कि वो भी जो है वो डिफेंड हो गया था। इसके बाद हमने जब दूसरा मैच देखा, उसके दो तीन दिन बाद जो है दूसरा मैच हुआ था, तो उसमें भी हमने देखा कि वहाँ पर 150 रन बना था और 151 जो है वो चेस हो गया, सिडनी सिक्सर चेस कर लिया था। उसके बाद तीसरा मैच भी यहाँ पे जो हुआ था तो उसमें हुआ था 149 रन, यानी कि देखोगे तो 150 के आसपास जो है पहले तीन मैचेस थे। लास्ट के जो दो मैचेस अभी जनवरी में हुए हैं तो उनमें देखोगे तो 150 एक में बना था और एक में जो है 187 रन बना था, जो कि लास्ट में अभी बना था, अभी रिसेंट में आप कह सकते हो कि 21-20 जनवरी के आसपास जो एक सिडनी सिक्सर का मैच था थंडर के साथ, उसमें बना था। तो वहाँ पर भी जो रन था ना वो रन ऐसा था कि पीछे जब स्टेबल हो गया था तब बना था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे जब मैसेज होगा तो किस तरीके से जो है मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैसेज होगा वो चांसेस यही रहेगा कि सबसे पहले यहाँ पे बॉलिंग को जो ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा और स्कोरिंग एरिया जो होगा 150-160 से आसपास या हाईएस्ट आप 70 के आसपास जो हो जा सकते हो यहाँ पे। तब T20 का यहाँ पे स्टेट देखोगे ना तो देखो 17 मैचों में 10 फर्स्ट बैच जीता है, 7 जो सेकंड बैच जीता है और इंटरनेशनल मैचों में 171 जो है वो क्या है यहाँ पे एवरेज है। और यही अगर हम लोग बात कर लेते हैं डोमेस्टिक मैचों में, तो लास्ट का जो मैंने 5 मैचेज डिस्कस किया उसको इंक्लूड करके आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 54 मैचेज हुए हैं, जिनमें से आप देख सकते हो 26 मैचेज फर्स्ट बैच जीता है, 27 जो सेकंड बैच जीता है और फर्स्ट बैट एवरेज यहाँ पे 158 है। तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और स्कोरिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 150 से नीचे 21 स्कोर है, 150 से और 70 के बीच में 13 स्कोर है और 170 से 90 के बीच में जो है 12 स्कोर है और 190 से ऊपर जो है सिर्फ 8 स्कोर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।